साड़ी एक ऐसा आउटफिट जो शायद मैंने अपने स्कूल टाइम में फेयरवेल या वेलकम पार्टी में पहनना स्टार्ट किया था और तब से वो आउटफिट मुझे बहुत पसंद आता है और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसको बहुत अच्छे से यूज़ करें और उसको रीयूज भी करें। मैं हूँ पल्लवी और आपने ट्यून किया हमारे चैनल फैशन ब्लॉगिफाई पर, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, DIY, होम डेकोर एंड मैनी मोर थिंग्स। करेंगे साड़ी रीयूज के बारे में। साड़ी 5 या 6 मीटर का एक ऐसा फैब्रिक होता है जिसको कि आप अपने आइडियाज के अकॉर्डिंगली या कुछ क्रिएटिविटी एड ऑन करके आप उसको एक नए आउटफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चाहे एथनिक हो या फिर आप वेस्टर्न वेयर भी उसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले भी हम आपको कुछ आइडियाज दे चुके हैं जिसमें कि हमने साड़ी रीयूज के कुछ ऑप्शंस आपको बताए थे और आज हम उन्हीं वीडियोस को आगे एक्सटेंड करते हुए आपको कुछ और नए और इनोवेटिव आइडियाज देंगे जिससे कि थ्रू आप एथनिक या फिर वेस्टर्न वेयर दोनों ही आप अपनी साड़ी के फैब्रिक से इजीली क्रिएट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे जो भी नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। पहला ऑप्शन है कि आप अपने साड़ी के फैब्रिक से, क्योंकि वो 5 to 6 मीटर का फैब्रिक होता है, तो आप उससे अपना गाउन डिजाइन करते हैं कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसे मैंने इस तरीके का गाउन अपनी नेट की साड़ी से बनवाया है। इसमें जो पल्ले का पार्ट था वो थोड़ा छोटा पार्ट था तो वो मैंने उसको योक में अटैच करवाया है और योक पर मैंने इस तरीके का इसका नेक दिया था। इसमें यहाँ पर पीछे की तरफ सिल्क का अस्तर है जबकि इस पोर्शन को मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इसकी स्लीव्स मैंने मेगा स्लीव्स निकलवाई हैं और जो इसका घेर है, फ्लेयर है, वो इसमें चुन्नटदार है और इसमें भी सिल्क का ही फैब्रिक दिया है क्योंकि ये नेट का कपड़ा था तो यहाँ पर सिल्क का फैब्रिक देने से इसमें थोड़ा सा स्टिफनेस भी आ गई है और थोड़ा सा घेर भी अच्छा आ गया है। आप चाहें तो अगर आपको फ्लेयर ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही स्मार्ट है ड्रेस। इसी तरीके की एक साड़ी मेरे पास और थी जिसको कि मैंने गाउन में कन्वर्ट कराया है। इस साड़ी में क्या था, यहाँ पर डबल बॉर्डर लगा हुआ था। इसमें से दो डबल बॉर्डर में से मैंने ये वाला बॉर्डर इसका निकाल लिया है, पूरी साड़ी में से हटा दिया तो ये हमारे पास एक प्लेन फैब्रिक बचा था जिससे कि मैंने यहाँ पर लॉन्ग गाउन निकाला है ए लाइन में और इसके नेक पर इस तरीके से मैंने उसी बॉर्डर को अटैच करवा दिया था। इसकी जो स्लीव्स बनवाई हैं वो सेमी बेल स्लीव्स हैं अम्ब्रेला कट में और इस पर भी मैंने लेस अटैच करवाया हुआ है और इसके मैंने घेर में भी इस तरीके से यहाँ पर इसका लेस अटैच्ड है। इस तरीके के गाउन के साथ में आप चाहें तो स्टोल भी ले सकते हैं पतला सा, बट ये गाउन जो है ये आपका फुल पार्टी वेयर गाउन है तो आप इसको इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरीके की साड़ी है सॉलिड कलर में जिसमें कि बॉर्डर भी आपका कुछ भी इसमें वर्क नहीं हुआ है, जनरली सारे बॉर्डर्स में क्या होता है यहाँ पर वीविंग वर्क होता है, बट जैसे इस टाइप की साड़ी में केवल एक प्लेन बॉर्डर दिया हुआ है तो इस विंटर्स में आप इस साड़ी को बेस्ट यूज़ कर सकते हैं बाई यूजिंग पैंट सूट या फिर प्लाजो सूट के साथ में। ये बहुत ही स्मार्ट लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा आपका ये स्ट्रेट कुर्ती के साथ में, प्लाजो या पैंट जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बॉटम वेयर में आप उसको क्रिएट करवा सकते हैं। और इस टाइप के सॉलिड कलर्स के साथ में आप चाहें तो फुल स्लीव्स की भी कुर्ती बनवा सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेट कुर्ती। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है इस टाइप की साड़ीज के लिए। नेक्स्ट आते हैं चंदेरी की साड़ीज पे। चंदेरी की साड़ीज जो होती है वो थोड़ी सी ट्रांजी होती हैं तो उसके साथ हमें कोई भी अस्तर के साथ में आपको स्टफ क्रिएट कराना होता है तो आप चंदेरी की साड़ी के साथ में मैं प्रेफर करूंगी या तो आप स्ट्रेट कुर्ती एंड पैंट बनवा सकते हैं या फिर अनारकली भी एक उसके साथ में अच्छा ऑप्शन है।
अगर आप अनारकली सूट बनवाते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और इसमें करीब 18 से 20 कलियां आपकी निकल आती हैं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा पहले कि आप जो भी इसका बॉर्डर है पहले उसको डिटैच कर दीजिए, उसके बाद जो भी आपका फैब्रिक बचता है ऊपर से उससे कलियां कट करके उसके बाद आप बॉर्डर को अटैच करिए, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में यहाँ पर कलियां निकल आती हैं और उसमें कोई भी जो आपका पैटर्न है वो ब्रेक नहीं होता है। मैंने जैसे अपने लिए स्ट्रेट कुर्ती बनवाई है, यहाँ पर ये मेरी चंदेरी की साड़ी थी, काफ़ी पुरानी मेरी मदर इन लॉ की साड़ी है ये, उससे मैंने ये क्रिएट करवाया है। इसमें यहाँ पे जो पल्ला था उसको मैंने स्लीव्स पर अटैच कराया है इस तरीके से, और जो इसका बॉर्डर का पोर्शन था उसको मैंने आर्म होल से लेकर के पूरा नीचे तक फुल लेंथ में इसको साइड में लगवाया है दोनों तरफ, बीच में पोटली बटन से डिज़ाइन की है इस तरीके से नेक पर, और ये बहुत ही सुंदर सूट बनकर आया है मेरा। इसके साथ में मैंने इसकी पैंट एक डिज़ाइन करवाई है जिसमें कि नीचे की तरफ छोटी छोटी बूटियाँ आई हैं, ये स्ट्रेट पैंट बनवाई है मैंने इसके साथ में, और मैं इसके साथ में इसकी पिंक कलर का मैंने इसका नेट का दुपट्टा लिया हुआ है जो कि काफ़ी लाइट सा है, तो ये बहुत ही स्मार्ट कुर्ती लगती है। तो इस तरीके से भी आप कोई भी पैंट सूट बनवा सकते हैं अपनी चंदेरी की साड़ी से। अब हम बात करते हैं सैटिन की साड़ीज़ के बारे में। सैटिन की साड़ीज़ का जो फैब्रिक होता है वो काफ़ी फ्लोई होता है और उससे जो ड्रेस बनकर आती है वो भी बहुत ही स्मार्ट लगती है। तो जैसे आजकल फैशन में चल रहा है कि आप श्रग बनवा सकते हैं या फिर आप फ्लोर लेंथ कुछ भी ड्रेस बनवा सकते हैं वेस्टर्न, बहुत ही स्मार्ट लगता है वेस्टर्न ड्रेसेस भी सैटिन की साड़ीज़ के साथ में। जैसे आप इस तरीके का पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर सैटिन की साड़ी से ही एक गाउन क्रिएट किया गया है जो कि बहुत ही यूनिक लग रहा है, सिंपल एंड एलिगेंट। इसी तरीके से मैंने भी यहाँ पर एक श्रग के साथ में कुर्ती डिज़ाइन करवाई है, जैसे इस टाइप की कुर्ती है। ये मेरी सैटिन की साड़ी थी जिसमें इस तरीके का आपका बॉर्डर था और उस पर ये बूटियाँ थीं, ये हमारा पल्ले का पोर्शन है, तो उससे मैंने ये कुर्ती डिज़ाइन करवाई है। पहले तो इस कुर्ती को हम चाहें तो रेड कलर के किसी भी लेगिंग प्लाजो या फिर पैंट के साथ में इजीली कैरी कर सकते हैं, या फिर इसके साथ मैंने फिर एक ऑप्शन और लिया और मैंने यहाँ पर एक क्रिएट कराया है श्रग। शर्ट की स्लीव्स मैंने 3/4 रखी हैं और इसमें साड़ी का जो बॉर्डर था उसी को अटैच करवा दिया है, और इसको बॉर्डर को मैंने यहाँ बॉटम में भी अटैच करवाया दामन पर इसके। ये श्रग बना है बहुत ही सुंदर, इसमें केवल ऊपर से ये बंद है, बाकी इसको ओपन रखा है और साइड स्लिट के साथ में है। अगर आप चाहें तो इन दोनों कुर्तीज़ को, इस कुर्ती को श्रग के साथ में कैरी कर सकते हैं, या फिर आप इस श्रग को भी केवल किसी भी आउटफिट के ऊपर या साड़ी के ऊपर भी आजकल बहुत अच्छे लगते हैं श्रग, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं, ये बहुत ही स्मार्ट लगता है, और डेनिम्स के साथ भी श्रग को आप इजीली कैरी कर सकते हैं। इस तरीके का जो श्रग होता है वो आप शिफॉन की साड़ी से भी क्रिएट करवा सकते हैं अपना शिफॉन की साड़ी में, बट ये प्रेफर करें क्योंकि वो कपड़ा थोड़ा सा हल्का होता है, तो इसीलिए उसमें ऊपर योक की तरफ आप उसमें अस्तर लगवाइए और उसको अपनी कमर के पोर्शन तक थोड़ा सा बंद रखिए, और उसके बाद जो नीचे आप पूरा ओपन रख दीजिए उसको, और वहाँ पर आप उसका अस्तर यूज़ मत करिए, तो वो बहुत ही फ्रंट ओपन की आपकी बहुत ही स्मार्ट सा श्रग क्रिएट हो जाएगा जिसको आप डेनिम के साथ भी इजीली पेयर अप कर सकते हैं। शिफॉन की साड़ी से आप लाइट वेटेड गाउन्स भी बनवा सकते हैं, शॉर्ट फ्रॉक्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत स्मार्ट लगता है समर्स में स्पेशली, ये शिफॉन का स्टफ बहुत ही बेटर ऑप्शन है आपके किसी भी आउटफिट को क्रिएट करने के लिए। अभी कुछ टाइम पहले हम लोग के पास फैशन में एक साड़ी चली थी हाफ एंड हाफ साड़ी, तो आप अपनी इस हाफ एंड हाफ साड़ी को भी रीयूज कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करिए, जो आपका हाफ एंड हाफ पोर्शन है दोनों को अटैच कर दीजिए और फिर एक पोर्शन से आप उसका धोती शलवार क्रिएट करवाइए इस तरीके से, और 5 मीटर का फैब्रिक बचता है उससे आप कुर्ती डिज़ाइन कर सकते हैं, जब आप चाहे उसके साथ में हाइलो कुर्ती बनवा लीजिए या स्ट्रेट कुर्ती भी आप उसके साथ में इजीली कैरी कर सकते हैं। ये धोती पैंट का सेट भी एक अलग ऑप्शन है आपके लिए। आप अपनी मॉम या मदर इन लॉ की साड़ीज़, जो कॉटन साड़ीज़ होती थी, उनको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। आप उससे अपने लिए गाउन्स बनवा सकते हैं जिनको कि आप इजीली घर में भी कैरी कर सकते हैं, और ये आपको एक स्मार्ट लुक भी देगा।
इस तरीके के गाउन्स जो होते हैं वो नॉर्मली हम ए लाइन प्रेफर करते हैं, और नीचे की तरफ आप उसमें चाहे तो हल्का सा फ्रिल दे सकते हैं, और हल्की फुल्की डिजाइनिंग के साथ में ये आपकी साड़ी को एक नया लुक क्रिएट करके देगा। हमारी किसी किसी साड़ीज में जो होता है बॉर्डर का पोर्शन काफी ज्यादा होता है, मतलब ऊपर की तरफ भी आपका बॉर्डर ज्यादा होता है और नीचे की तरफ भी बॉर्डर होता है, तो हम नीचे वाले बॉर्डर को तो इजीली अपने फ्रॉक्स में या गाउन्स में यूज कर लेते हैं, बट अगर आपके पास बॉर्डर ज्यादा है और आप उसको यूज करना चाहते हैं तो उसका भी एक ऑप्शन है आपके पास। आप जो लाइनिंग लगा रहे हैं, जो अस्तर लगा रहे हैं, उसके साथ आप उस बॉर्डर को अटैच कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप एक तरीके से लेयर्ड कुर्ती का लुक यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने उस बॉर्डर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं।